17 अगस्त है और सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मैं अभी गांव जा रहा हूं, जहां पे मुझे गांव वालों ने सम्मानित करने के लिए बुलाया है, जो कि मैंने कल बताया था आपको। और एक चीज़ बताता हूँ, उठने के बाद मैं कुछ ब्लॉग एडिट कर रहा था, उसमें मुझे चाय की तलब लगी, तो रूम के पास में चाय वाला ऐसे कुछ है आगे जाके है, तो मैं साइकिल लेके गया था। आते वक्त पैदल आगे के पास में दादा थे, तो मैं बाहर निकल के सामान लेके देख रहा हूँ कि यार मेरी साइकिल कहाँ गई, मैं वहाँ जा सकती, कोई ले जाने वाला है नहीं, ये वो। फिर मैं यार ओह भाई भूल गया, तो मैं दिखाता हूँ वहाँ पे खड़ी होगी। वो खड़ी, तो जो मेरा रूम है वहाँ से जो मेरे घर का डिस्टेंस है झुंझुनू से, वो है वो क्या बोलते हैं 11 किलोमीटर का है। और मेरा जो टाइम पहुँचने का, जो डेली तो नहीं जाता, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो है 35 से 40 मिनट में मैं पहुँच जाता हूँ, आराम से चलता हूँ 15-20 की स्पीड से। ये है हवाई पट्टी सर्किल, सामने सीकर वाली रोड है और पीछे मैं अभी स्टेशन रोड छोड़ गया हूँ, और यहाँ सीकर रोड वाली रोड होती है ना, इसी इधर है मेरे गांव का जाने का रास्ता। अभी लगता है कि अभी भी फाटक खुला है, यहाँ पे फाटक है रेलवे का, तो भीड़ अभी अब इसमें से निकलते हैं बाहर के लिए। एक्टिविटी कराने का इस रोड पे हम वो करते थे, दौड़ भाग करते थे, सुबह सुबह रनिंग कराई जाती है लंबी लंबी। और ये है मेरे गांव की रोड जिस पे मैं हमेशा से आना जाना रहा है मेरा। बड़ा सुकून मिलता है यार कसम से, और राइड करते वक्त मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वैसे भी ये 10-11 किलोमीटर की राइड है तो इतना ज़्यादा लगता नहीं, पहले भी नहीं लगता था, पर अब तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि क्या है 10-11, क्या है 10-11 किलोमीटर, कुछ नहीं है। तो वही है। मज़ा आ रहा है, ये गांव के टेम्पो इन्होंने बहुत सवारी की है। ये देखो नज़ारा, अरे भाई साइड। तो अभी का ये है शेड्यूल, अभी मैं जा रहा था तो नवलगढ़ की तरफ से कोई था न्यूज वाला, और उन्होंने अप्रोच कर रखा था, तो मैंने, मेरा दोस्त अभिषेक हो गया था, अभी मुंबई था, उसको बोल दिया कि भाई उनसे फोन करके बात कर लो कि कब आना है। और अभी झलको झुंझुनू वाले की तरफ से भी फोन आया कि वो आने वाले हैं, तो मैं घर जाके जल्दी से नहा लेता हूँ, फिर वो समारोह हो रहा है वहां पे भी जाना है, देखता हूँ दोनों को साथ में कर रहा हूँ, करूँ या आगे पीछे करूँ, पर बस अगले 5-7 मिनट पहुंच जाऊंगा। ये गांव का चौराहा, यहाँ से मेरे गांव की सीमा शुरू होती है। लो जी फिर आ गए। गांव है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। ये कुछ ना कुछ काम चलता रहता है इधर। इंटरव्यू हो गया मेरा झंझुनू का, और अभी जा रहा हूँ वहाँ पे गांव में जहाँ पे बुलाया गया है, और घर वाले बहुत खुश हैं, एक तो पापा और मम्मी, रीजन तो पता ही होगा क्योंकि सबसे ज्यादा झलको झुंझुनू को भी देखते थे, पापा भी देखते रहते, तो वही खुशबू अरुण हो गया, ये इनके न्यूज कुछ ना कुछ चलती रहती है, तो अब वो खुश हैं कि भाई इनका भी इंटरव्यू हो गया एक तरह से। इन्होंने भी बात की उसके अंदर, तो ट्रिप ले
पास में जाना है। ये हमारा गांव है। तो गांव में जो सम्मान समारोह था उसमें मैं पहुंचा हूँ लेट, वो भी 5 मिनट। मैं जा रहा हूँ और लोग आ रहे हैं, ये हमारा सिस्टम हो रहा था। अभी तो जो यहाँ के संचालक जो थे उन्होंने कहा कि एक बार वेट करो, वो आए हैं, उनसे तो सम्मान मेरे को दिलाएंगे, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। बाकी नवलगढ़ भी है, यहाँ जाना है, उन्होंने टाइम दे रखा है, वहाँ पे जल्दी से पहुँचना है मुझे। तो यहाँ से ख़त्म हो तो मैं वहाँ के लिए निकलूँ फिर। तो अभी हम वहाँ जाके आ गए हैं और अभी नवलगढ़ जाना था, पर उससे पहले मैं घर जा रहा हूँ। घर इसलिए जा रहा हूँ कि एक तो हेलमेट लेना है, विकास हेलमेट लेगा, ऊपर से गिटार भी लेना है, और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। कम से कम भी 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो मैं बहुत जल्दी में था, पर माने कहा कि कैसे भी थोड़ा सा नाश्ता कर जा, तो ये दिया है, खाऊंगा जल्दी से निकलूँगा। नवलगढ़ में हवेलियाँ बहुत अच्छी हैं, मतलब आप पुराने हवेली देखोगे ना, देखो पीछे बहुत सारी जा चुकी हैं और आपको दिखा देता हूँ। अरे ये मंडाओ आ गया। अरे तीतर के दो आगे, तीतर के दो पीछे, तीतर बोलो कितने तीतर। हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पर एक ऐसे कुछ लोकेशन है, यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और ये एक गंध है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। राम राम सा, मैं थाको दोस्त, थाको भाईलो, थाको मित्र, और मैं हूँ अठे हेलो नवलगढ़ में हुकुम सिंह जी के साथ गए, और अठे ऑफिस में बैठे हूँ, और अठे मेरा इंटरव्यू अभी हुआ है, और आपके साथ बातचीत चल रही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं सोचा थार से भी अवगत करा दूंगा, तो ये अभी थोड़ी और बातचीत चलेंगी। चलो भाई, तो हम अभी होल सेल ऑलमोस्ट, टाइम क्या हुआ दिखाता हूँ, टाइम हुआ है 12:50, 1:10 बाकी हैं। और अभिषेक को अपनी आंखें दिखा, अरे क्यों दिखानी है भाई, आंखें सही है तेरी, क्यों दिखानी तेरे, एक तो इसको वहम बहुत है। वहम को नहीं ला, अरे भेज दे फटफटिया ने डॉक्टर के बोलो। अभी 1:30 हुए हैं और हम नवलगढ़ से रवाना हो चुके हैं, जितने भी काम थे अभिषेक का हॉस्पिटल वाला भी काम हो गया है। अब हम यहाँ से मुकरगढ़ होते हुए निकले, क्योंकि ये सीधा सीधा रास्ता है, गांव में क्या होता है कि टूटे फूटी सड़कें वगैरह ऐसे होती हैं। तो अभिषेक सामने जा रहे हैं। तो मैं हूँ अभी सिद्धेश्वर महादेव आश्रम में, और ये पड़ता है झुंझुनू और नवलगढ़ वाली वो रोड होती है उसके बीच में, यहाँ पे कौन सा वाला जी, गोडीवारा बालाजी से थोड़ा सा आगे चलने पे ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे शिव पुराण की कथा चल रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेडीज लोगों का अभी जमावड़ा शुरू हो गया है। असल जो प्रोग्राम वो शाम को होता ना,
अभी स्टार्ट होने वाला, पर शाम होने वाली है वैसे ही है। और हम भी बैठे हैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए। अभिषेक का साथ अभी छूट नहीं रहा है, पता नहीं कब पीछा छोड़ेगा ये। गाइज ये है मेरी क्लासरूम जिसमें मैं 5वीं क्लास देने की थी, ये स्कूल थी हमारी। तो घर आ गए हैं, जो यहाँ पे बैठा है। और आते मैंने खाने पे टूट पड़ा हूँ, ये सब्जी बनी है, हरी सब्जी है, रोटी छाछ है, बस खाएंगे और सोएंगे। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी नींबू पानी बनाया विकास ने बनाया मेरे लिए। और ये फैमिली टाइम है, देखो मौसी है, मेरी मम्मी, चाचा का लड़का है, पापा इधर बैठे, ये रहे, और ये राज जो है बैठा है, और मैं नींबू पानी पी रहा हूँ यहाँ पे। अभी 6:40 हुए हैं और मैं जा रहा हूँ वापस झुंझुनू, क्योंकि आज इंटरव्यू था, वो सम्मान के लिए इस तरह से बुलाया था, उसके लिए यहाँ था। अब वापस झुंझुनू, कुछ काम है वो ख़त्म करने हैं। अभी 6:40 हुए हैं और यहाँ पर अपना जो है मम्मी मौसी वो यहीं पर बैठे हैं, इतनी देर से इंटरव्यू वगैरह वो थे सब देख रहे थे। तो फाइनली मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अभी रात को खाना खा लेता, पर अभी भूख नहीं है, टाइम भी लगेगा, अंधेरा हो जाएगा, तो अभी चलवा जाता हूँ और बहुत सारे काम वो ख़त्म करने हैं। साइकिलिंग भी एक तरह से एक फ़न है, मतलब जो सुकून मिलता है ना इसमें, सच में बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से क्या मौसम भी ठीक है, यही अगर मैं गर्मी में चलाऊँगा तो सुकून नहीं मिलेगा, अभी सी बात है। शाम के 7 बजने वाले हैं, बज गए होंगे शायद, और बहुत अच्छा मौसम है, खाली खाली सड़क दोनों तरफ, अगर खेत हो तो फिर बात ही क्या है। क्या मैं अभी आ रहा था तो बीच में मेरे दोस्त का फोन आ गया, एक दोस्त है सुमित, एक तरह से सब बेस्ट फ्रेंड से, पर ये बहुत ज़्यादा अलग ही बेस्ट फ्रेंड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा धमका भी देता है एक तरह से, कभी कभी कह रहा है 10 मिनट में पहुँच, ये 10 मिनट में कैसे पहुँच जाता है। अभी वहाँ पे सामने बैठा है, मुझे दिख गया है, तो मिलवाता हूँ आपसे। तेरा गाना किसने चोर है? अरे कोई ध्यान वान कुछ ही नहीं, तो कोई बंदा आया है। अरे बैटरी निकालो बाहर इसको। आए 2 मिनट निवे थे, इन्होंने खाना भी नहीं पूछा मुझे। अभी बज रहे हैं 8:17 और अभी मैं खाना थोड़ी देर बाद, अभी भूख नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा था, व्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, इस बीच में मैंने क्या कुछ म्यूजिक चलाया, इस कंप्यूटर ने इतना दिमाग खराब कर रखा है ना, मैं हो सके जितना जल्दी उसके कंप्यूटर जाकर उसके सिर में फेंक के मारूंगा। क्या बना के दिया, जब से चर चर की आवाज़ कर रहा है बीच में, इसका इतना हार्डवेयर इतना ख़राब करके दिया इसने। अब एक व्लॉग अपलोड करना है, उसके बाद मैं